भजन संहिता अध्याय 51। भजन संहिता अध्याय 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए और अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवादन कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे।